पेड़ है जो कि पूरा ऐसा कवर्ड है और इसमें अंदर जाके लोग। हम मौसी के घर आए थे हम, और मौसी ये नई नवेली दुल्हनों की तरह गरम गरम चाय लेके आ रही है। खाली चाय नहीं, नहीं बिस्किट भी आएंगे। ये भाई हमारा फोन पे लगा हुआ है। तैयार हो जाओ ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वी आर इन पौड़ी और मौसी के आए हैं, और यहाँ पर हमारा काफ़ी टाइम बचपन का बीता है। और ये पौड़ी का व्यू है, सिनेरिक व्यू है, देखो कितना ब्यूटीफुल है। रात का व्यू मैं आपसे शेयर करूँगी, बट इट्स अ हिल स्टेशन एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड यू मस्ट विजिट वंस हियर। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट ना हिमालय वगैरह सब देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो रेंज है ना पूरी, ये हिमालय की है। यहाँ पे चौखंबा वगैरह सब कुछ है, और बहुत सुकून है यार, बहुत शांति है, बहुत सिंपल लाइफ है, बहुत अच्छा है। देखो जिस जगह पे मैं हूँ वो है स्टेशन। और हेलो गाइस, बोलो हेलो, बोल दो हेलो गाइस। मौसी के आए हैं आज, कौन सी नंबर की मौसी? चौथे नंबर की मौसी। और मौसी लोग हमेशा से स्टेशन में ही रहे हैं, तो काफी टाइम बचपन का यहाँ पे बीता है। और मम्मी भी यहाँ का सिनेरिक व्यू एंजॉय कर रही है। बढ़िया है मम्मी, यहाँ पे देखो पूरा हिल वगैरह सब कुछ दिखेगा, और हिमालय वगैरह सब कुछ दिखेगा। और अंदर से मौसी बोल रही है कि हिमालय का व्यू दिखा हमारा। थोड़ा होम टूर देती हूँ। ये एंट्रेंस है मौसी के घर की, और हाँ ये इधर वॉशरूम है और एक बाथरूम है। ऊपर स्टेयर्स है छत जाने के लिए, और यहाँ आते ही हॉल है एक। ये मेरे भाई बहन बैठे हैं, चाय के मज़े ले रहे हैं, और साथ ही साथ भैया से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मौसी लोग क्यों किचन है, चाय वाय ले रहे हैं। ये एक और रूम है मौसी लोगों का, और अंदर ना पूजा घर है प्रॉपर। देखो मौसी ने कितना बढ़िया सजा रखा है पूजा घर ना। ये पूजा घर है मौसी लोगों का पूरा, और इधर एक स्टोर रूम है, और यहाँ पे पर्सनल सैलून चल रहा है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बैठक है, और ये हमारा टफी बैठा हुआ है। ये कौन सी सेवा? और ये मौसी यहाँ पे मौसा जी की सेवा करते हैं। हेलो गाइस। यहाँ क्या चल रहा है? ये मौसा जी की डेंटिंग पेंटिंग हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस है। और हम बचपन में काफ़ी यहाँ पर ही हमारा जीवन बीता है। और अब यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी नहीं खुली, यहाँ आसपास शॉप्स वगैरह देखो पूरा। और अब विज़िट करोगे तो यहाँ ज़रूर आना। और मैं अभी अपनी कज़न सिस्टर के साथ हूँ, लेकिन मंदिर में जाके उसकी फ़ोटो लूँगी, वीडियो लूँगी, ताकि वो कम्फर्टेबल हो जाए। और काफ़ी सिंप्लिसिटी है यहाँ, काफ़ी मस्त है। टाइम का पता चलेगा एक्चुअली, आप नेचर को फील कर सकते हो कैसे बीत रहा है। और ये देखो छोटे छोटे बछड़े दो प्यारे से। तो ये है टेंपल साइड में, और अभी आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। अरे तो ये यहाँ की एंट्रेंस है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मस्त आ रही है। तो ये यहाँ की एंट्रेंस है, शेर बने हुए माता रानी के दो, और अंदर जा रहे हैं अब। जय माता दी। हे गाइस, अभी हम आए हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है। और ये यहाँ से इसका आउटर व्यू है, तो मैं ये कवर करती हूँ आप सबके लिए, फिर आपको अंदर टेम्पल के दर्शन करवाऊंगी। तो ये यहाँ का व्यू है, और बाकी पीछे पूरा आपको हिमालय की रेंज दिखेगी क्लियरली। तो हम बचपन में बहुत आया करते थे, हमारा पूरा बचपन ही पौड़ी में बीता है। और ये जो नीचे देख रहे हो, ये पूरा पौड़ी है, ये है पूरा पौड़ी, ये हिमालय की रेंज है। ये शादी हुई है, और ये मेरी कजन सिस्टर है, और ये रेंज है, उनको नहीं।
ये पूरी हिमालय की रेंज है, ये पूरा पौड़ी है, देखो कितना सुंदर है। और ये यहाँ का टेंपल है फेमस काफ़ी, लक्ष्मी नारायण टेंपल। और चलो अब आपको अंदर, ये इसका कुछ आउटर व्यू है और अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टेंपल्स हैं अलग अलग, तो चलिए आपको दर्शन के लिए ले चलते हैं अंदर। हमने दर्शन कर दिए तो मैं टेंपल कवर कर रही हूँ आप सबके लिए। तो सबसे पहले यहाँ का जो मेन टेंपल है, आ जा तो सबसे पहले तू मुझे टेंपल्स के नाम तो तू ही बताएगी ना अंदर कौन किसके। तो ये यहाँ पे मेन टेंपल है, दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ का मेन टेंपल है और शिव जी भगवान है साईं बाबा का। और ये यहाँ का सेकंड टेंपल है, थर्ड टेंपल है माता रानी और राम भगवान जी और सीता माता का, नहीं तो राम भगवान जी और सीता माता का। और ये मेन, ये भी एक टेंपल है छोटा सा यहाँ पे माता रानी का। अलग अलग जगह अलग अलग टेंपल्स बनाए हैं। पीछे जाके यहाँ पे अंदर काली माता का टेंपल है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। और बाहर से ये है हनुमान जी का टेंपल, अंदर फोन्स वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। तो मैं बाहर से ही कवर कर रही हूँ टेंपल का व्यू आप लोगों के लिए। तो ये टेंपल का कुछ, ये बाहर शनिदेव का मंदिर है और ये पीपल का पेड़ है जो कि पूरा ऐसा कवर्ड है और इसमें अंदर जाके लोग पूजा करते हैं। देखो काफ़ी धागे वागे वगैरह बांधे हैं, तो हर जगह पूजा कर रही है। मंदिर की वाइब बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है। तो आना आप लोग भी विजिट करना, और मैंने और मेरी बहन ने भी अभी दर्शन कर लिए। तो अब चलते हैं पौड़ी की नेक्स्ट प्लेस पर, देखते हैं कहाँ जाएंगे। नहीं यहाँ के नहीं है, अच्छा ये यहाँ का टेंपल है फाइनल व्यू। तो अब चलते हैं, मैंने और मेरी कजिन सिस्टर ने तो दर्शन कर लिए, चलते हैं। बाय बाय बाय। भाई ये क्या है ये, अब उसने रंग बदल रखा है, गिरगिट है। हाँ गिरगिट है, उसने वही कलर का रंग रखा। अजीब प्राणी मिला है अभी हमें एक घूमते। तो हम आए मार्केट और मार्केट की रौनक देखो, मार्केट दिखाते हैं आपको बॉडी का। पापा आगे शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं दिवाली का मार्केट। और ये पौड़ी का सिनेरिक व्यू है पूरा, कितना बढ़िया हो रहा है ना। इसलिए मैंने पहले पूछ लिया था तो नहीं कभी अंदर की वो। कितनी रौनक हो रही है ना मार्केट में, मम्मी लोग कहाँ बैठा है, मैं तो ये सोच रही हूँ वही होंगी। मुझे भी यही लग रहा है, ईश्वर लगता है घूमते फिरते निकल गया ना नीचे, तो वहाँ तक जाएंगे अभी तो पता नहीं क्या ऊपर तक। एक तो मौसम वापस, हाँ मम्मी मम्मी का ना चार्जर का दिक्कत होगी थोड़ी ना, तो इस वजह से मम्मी फोन स्विच ऑफ करी है, ऐसा कुछ है चार्जर की दिक्कत होगी। देखो ये दिवाली के दिन दिवाली की मार्केट सजी हुई है बढ़िया सी क्या। और पापा यहाँ पे अपने लिए सामान ले रहे हैं थोड़ा, थे भी बेचने के लिए है ना, बढ़िया लग रहा है ना। पापा इसकी दुकान पे तो नहीं मिलेगा, देखो भयंकर डॉक्टर चल हम स्वीट शॉप वगैरह में। मौसी लोग ऊपर तो नहीं गए। और ये यहाँ का व्यू है, मतलब मेन मार्केट के बाद से पूरा